अस्सलाम वालेकुम मौजूद सामीन, एक मरतबा फिर नाजिम एजुकेशन स्टूडियो में आपको वेलकम कहता हूँ। NCUC लॉस के बारे में अहम खबर से आपको अपडेट करने जा रहा हूँ। डियर ऑडियंस, जैसा कि आपको मालूम है, आपको कल भी मैंने अपडेट किया था, NCUC इजलास आज 27 जुलाई 2021 को बुलाई गई है। NCUC इजलास बुलाने का मकसद स्कूलों की बंदिश के हवाले से, स्कूलों में वेकेशन बढ़ाने के हवाले से है, क्योंकि इस वक्त कोविड-19 की फोर्थ वेव बेकाबू हो चुकी है। कल रिपोर्ट के मुताबिक 3752 केसेस रिपोर्ट हो चुके थे। कल पाकिस्तान भर में 7.5% कोविड-19 की रेशो थी, लेकिन आज 27 जुलाई 2021 को कोविड-19 की रेशो 8% से भी तजावज कर गई है। और कभी इम्कानात है कि आज की मीटिंग में स्कूलों की वेकेशन के बारे में फैसला कर लिया जाएगा। अब से थोड़ी देर बाद NCUC मीटिंग शुरू होने वाली है। सूबाई वज़ीरे तालीम डॉक्टर मुराद राव साहब मीटिंग हॉल में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीरे तालीम शाहराम खान तरकई साहब भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सूबाई वज़ीरे तालीम सिंध सैयद गनी साहब भी पहुंचने वाले हैं। बलूचिस्तान की वज़ीरे तालीम, गिलगित बल्तिस्तान की वज़ीरे तालीम, आज़ाद कश्मीर की वज़ीरे तालीम पहले ही इस्लामाबाद में मौजूद है, वो भी थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। इसके अलावा वफाकी वज़ीरे तालीम शफकत महमूद साहब आज मीटिंग की सदारत करेंगे। उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, हो सकता है वो आज की मीटिंग में शिरकत न करें। वफाकी वज़ीरे तालीम शफकत महमूद साहब ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हम तमाम डिसीजन मेडिकल रिपोर्ट को देखते हुए करेंगे और तमाम डिसीजन हम मिलकर करेंगे। एजुकेशन से रिलेटेड तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए नाज़िम एजुकेशन स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।